वाली खेती मुनाफे में करे जबरदस्त वृद्धि। खुद किसानों की पहल किनोवा नई फसल कृषि दर्पण। किसानों के आर्थिक हालात को लेकर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उनके लिए क्या बेहतर है या फिर कुछ किसान खुद अपनी बेहतरी में किस तरह लगे हुए हैं, ये जानना कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ऐसे हालात में भी कुछ किसान कैसे खुद से पहल कर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए विदेशी फसलों का सहारा ले रहे हैं, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। किसानों के बारे में आपकी धारणा बदल जाएगी। आपको मिलवाएंगे ऐसे किसानों से जो अमेरिकी फसलों की खेती का जोखिम उठाकर आज सफल हो रहे हैं, जिन्होंने भारत के लिए बिल्कुल नई फसल किनोवा लगाने का हौसला किया, सही तकनीक अपनाई और आज सफल है। औषधीय गुणों और पोषक तत्वों से भरपूर किनोवा की यूएस देशों में खासी मांग है, और दूसरा फायदा ये कि बेहद कम लागत और कम पानी में ये अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। जानिए इसकी खेती के बारे में। किसान और उनकी बदहाल स्थिति पर, इसमें सुधार की गुंजाइश पर और उसका श्रेय लेने की कोशिश के तहत देश में तरह तरह की राजनीति होती है, लेकिन इन सबसे बेखबर कुछ किसान खुद अपने हालात सुधारने में लगे हैं। इसका सकारात्मक पहलू ये है कि कई जागरूक किसान इंटरनेट के माध्यम से नई फसलें खोजकर उन पर न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि सफल भी हो रहे हैं। अपने देश के लिए ये नई फसल है किनोवा। पालक कुल के इस पौधे के कई लाभ हैं। जहां पत्तियां साग सब्जी की तरह उपयोगी हैं, वहीं इसके बेहद पौष्टिक कारक बीज चावल गेहूं और सूजी की तरह अनाज के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसमें काफी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी पाया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से बोलीविया, पेरू और इक्वेडोर जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों के अलावा कनाडा, इंग्लैंड, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी की जाती है। किनोवा की पूरी जानकारी कर मध्य प्रदेश खंडवा के दो किसानों ने इसे प्रयोग के तौर पर अपने खेतों में लगाने का जोखिम उठाया और सही तकनीक अपनाने की वजह से सफल रहे। एक नई फसल है जिसको कि हम किनोवा के नाम से जान रहे हैं। तो हमारे खंडवा जिले में ऐसे अभी हाल फिलहाल एकमात्र दो ऐसे किसान हैं जिन्होंने किनोवा की जो खेती प्रारंभ की है। निमार में यह है कि बहुत पुराने स्टाइल की खेती चली जा रही है, जो हिस्टोरिक खेती है, उसमें ना पैसा इतना आता है ना कुछ आता है, पूरी मेहनत लगती है। ये थोड़ा सा मेरे फादर इन लॉ भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने गूगल पे पूरा सर्च किया, तो ये एक नई क्रॉप है जो कि इंडिया में कम यूज होती है। अभी इंडियंस ये लोग इससे इतने यूज टू नहीं है। ये जितनी क्रॉप है ये पूरी होती है अपनी एक्सपोर्ट। ये एक्चुअली किनोवा की क्रॉप है, आप जैसे देख रहे हैं अभी ये कट चुकी है। तो ये रागी जैसे अपन इंडिया में यूज करते हैं, इस टाइप से वो लोग इसे यूज करते हैं वहां पे। दरअसल इस खास फसल का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम क्विनवा है। उच्चारण दोष के कारण इसे किनोवा कहते हैं। भारत में इसकी खेती बहुत कम होती है और इसलिए सिर्फ हैदराबाद और दिल्ली में इसका बाजार है, जहां से इसे विदेशों में निर्यात किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसे उपजाने वाले किसान बढ़ेंगे, जाहिर है इसकी मार्केट बढ़ेगी, क्योंकि बेहद आसान खेती वाली इस फसल की उपज का अंतर्राष्ट्रीय अभाव आपको हैरान कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में किनोवा की कीमत 1000 से 1200 रुपए प्रति किलो तक है। वासुदेव यादव ने अपने 2 एकड़ खेत में रबी सीजन में किनोवा लगाया था। उन्हें महज 9000 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आया, जबकि उम्मीद 7 से 8 क्विंटल उपज की है। इस तरह उन्हें लगभग 7 लाख की आय होगी, जिसमें से लागत की मामूली खर्च को घटा भी दें तो उन्हें प्रति एकड़ 3 लाख से ऊपर का मुनाफा तय है। और इसका इंटरनेशनल बाजार में 1000 से 1200 रुपए किलो तक का भाव रहता है, और किनोवा में 1 एकड़ में 9000 रुपए खर्चा है, और इसमें लगभग 7 से 8 क्विंटल तक निकलने की उम्मीद है, और शुद्ध आय शायद इससे 7 लाख रुपए निकलने की है। ये जो बिकती है, इसकी मंडी जो है इंडिया में दो जगह बेसिकली मेन है, हैदराबाद और दिल्ली में।
यहाँ से ये पूरी क्रॉप जो है ये पूरी एक्सपोर्ट होती है यूएस के लिए, और थोड़ा सा मेरा तो एक्सपेरिमेंट ही है, ये चीज निमाड़ में ज्यादा होगी तो यहाँ से डायरेक्ट हम कंपनीज को ये चीज सेल कर सकते हैं, तो हमें रेट उसके और बढ़ के मिलेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा हमारे निमाड़ के किसान भाइयों को कि हम इसके जो अधिक से अधिक इसका प्रचलन में लाएं, ताकि इसको जो आने वाले समय में हमारे यहाँ पे खंडवा जिले में इसका अच्छा मार्केट भी डेवलप हो जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों को इसकी मार्केटिंग के लिए अन्यत्र न जाना पड़े। दरअसल किनोवा की खेती के कई फायदे हैं, जैसे ये किसी तरह की मिट्टी, पहाड़ी, मैदानी या बंजर भूमि में भी उपजाया जा सकता है। अपने देश में इसके लिए रबी सीजन बेहतर है। बीज अंकुरण के लिए 18 से 24 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है और अच्छी पैदावार के लिए रात में ठंड और दिन में 35 डिग्री तक तापमान उपयुक्त रहता है। खेत की तैयारी के बाद आप छिटकवा विधि से या फिर कतार में बुआई कर सकते हैं, फिर कुछ सिंचाई के बाद यूरिया, गोबर की खाद और डीएपी की जरूरत होती है। हाँ, सिंचाई की भी बेहद कम आवश्यकता होती है। किनवा अच्छी तरह निकल जाता है और पानियां स्लो, दो तीन क्यारियों में पानी को स्लो छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद तीसरे पानी के बाद यूरिया खाद डीएपी आदि डाल दिए जाते हैं। मेरे को आप टोटल खर्चा आपको मैं बताऊं तो ये मुझे 500 रुपए किलो में मैंने इसको परचेस किया था, तो ऐसे मुझे 1000 रुपए की इसकी बिजाई आई है, जो सीडिंग हुई है इसकी। उसके बाद इसमें ज्यादा आपको दवाइयां खाद वो नहीं डालना होता है। मुझे इसमें करीब 800 रुपए का पोटाश लगा है, और उसके बाद आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा इसमें गोबर खाद लगता है। और जैसे गेहूं को पानी देने के लिए अपने को, वीट की क्रॉप को, कभी भी अपने को क्या होता है कि 4-5 पानी देने होते हैं, इसको पानी भी इतना नहीं लगता है, इसको 2 या 3 पानी में ये क्रॉप आराम से यील्ड हो जाती है। इसमें पानी की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। हम जैसे हमारे निवाड़ खंडवा जिले में पानी की कमतरता होने के कारण हमारे किसान भाई जो इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, और इसमें लागत खर्च भी बहुत कम है। प्रति एकड़ के मान से इसकी केवल हमको 1 से 2 किलो मात्रा ही जो है हमको इसकी बीज के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हम इसमें लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी जो इसके किनोवा से जो है उत्पादन ले सकते हैं। इसके बीज खेत की मिट्टी में 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक गहरा लगाना चाहिए। जब इसके पौधे 5-6 इंच के हो जाएं, तब पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 14 इंच बना लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा पौधे को हटा देना चाहिए। किनोवा के पौधे में कीट रोगों से लड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है, इसलिए कीट रोग प्रबंधन पर खर्च नहीं आता। साथ ही पाले और सूखे को भी ये सहन कर सकते हैं, इसलिए कम से कम देखरेख में महज 120 से 140 दिनों में अच्छी उपज और आय पाने का अहम स्रोत है किनोवा। खंडवा के वासुदेव और गगनदीप जैसे किसान एक बड़े सबक के तौर पर हैं। उन किसानों के लिए जो अपनी परंपरागत खेती में उलझे हुए अपनी हालत को कोसते रहते हैं, जबकि किनोवा जैसी नई फसल का जोखिम उठाकर किसान अपनी आर्थिक हालत सुधार सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया। हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रतिभा के ऐसे मोती छिपे हैं जिनकी छटा रह रह कर हमें रोशन करती है। अब देखिए ना, महाराष्ट्र नासिक के एक सामान्य वेल्डर ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसानों को बहुत कम कीमत पर बागों में छिड़काव की ऐसी सुविधा मिल रही है जिसके लिए उन्हें पहले दोगुनी कीमत पर मशीन आयात करनी पड़ती थी। ऐसी ब्लोअर मशीन जिसके बारे में जानकारी आपकी बागवानी की उपज में बढ़ोतरी कर सकती है, आप भी देखिए। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन आविष्कार के लिए चाहिए प्रतिभा, और प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। शायद इसीलिए मात्र 10वीं तक पढ़ाई करने वाले राजेंद्र जाधव ने एक ऐसा यंत्र विकसित किया है जिससे किसानों की बड़ी समस्या दूर हुई है। नासिक जिले के सताना शहर में रहने वाले राजेंद्र जाधव ने एक बहुउपयोगी छिड़काव यंत्र का निर्माण किया है जिससे बागवानी के बड़े बड़े पेड़ पौधों के सिरे तक दवा का छिड़काव बेहद आसानी से किया जा सकता है। दरअसल बागवानी के पेड़ों और फलों को कीट रोगों से बचाने के लिए उन पर दवाओं के छिड़काव की जरूरत होती है।
लेकिन हाथों से दवा स्प्रे करने के कई नुकसान हैं। ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा वक्त लगता है, पेड़ के सारे हिस्से कवर नहीं हो पाते हैं, दवाओं की बर्बादी होती है, केमिकल दवा छिड़कने वाले पर बुरा असर होता है। इन परेशानियों का जिक्र राजेंद्र के आसपास के लोग अक्सर करते रहते थे, जिनसे उन्हें ऐसी ब्लूअर मशीन विकसित करने का आइडिया आया जिसमें छिड़काव की ज्यादातर परेशानियां कम हो सकें। उन्होंने शुरुआत 1988 में 200 लीटर की टंकी पर प्रयोग से की थी। शुरुआत के लिए हाथ से दवा स्प्रे करने की दिक्कत दूर करने के लिए मैंने पहले 200 लीटर टैंक पर प्रयोग शुरू किया, लेकिन ये जल्द खत्म हो जाता था, इसलिए धीरे धीरे 600 लीटर के टैंक तक सफल प्रयोग किया। 700 लीटर मध्ये मी नवीन 700 लीटर टैंक वरती। दरअसल इस फवारा मशीन की सेटिंग ऐसी की गई है कि सुविधा और जरूरत के अनुसार इसके फवारे की प्रेशर कम ज्यादा और धार ऊपर नीचे की जा सकती है। अब इसका फायदा ऐसा है कि 10 लेबर का काम ये मशीन अकेले कर लेती है, 10 घंटे का काम एक घंटे में निपट जाता है और ज्यादा कुशलता के साथ। अब इससे अंगूर, अनार, आम, अमरूद जैसी फलों की बागवानी में काम लिया जा रहा है। नोजल फिरवण्यासाठी पण सेटिंग ठेवली, त्याच्यामुळे आपल्याला पाहिजे त्या दिशेने आणि झाडाच्या उंचीनुसार आपल्याला टैंक की दोनों तरफ फैन लगाए, जिससे प्रेशर तैयार होकर फव्वारा निकलता है। नोजल की सेटिंग और फव्वारे की धार ऊपर नीचे हो सकती है। 10 आदमी का काम एक आदमी से संभव है, 10 घंटे का काम एक घंटे से संभव है, डीजल भी कम लगता है। किसानों को इस ब्लोअर मशीन से जबरदस्त फायदा मिल रहा है। नासिक और मराठवाड़ा इलाके के कई किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। किसानों को न सिर्फ कम कीमत में ये मशीन मिल गई है, बल्कि कम दवा के इस्तेमाल से ही पौधे रोग मुक्त हो गए। मशीन में कोई दिक्कत होने पर उन्हें इसकी सर्विस भी जल्द मिल जाती है। इतना ही नहीं, पौधों की धुलाई या पानी देने के लिए भी किसान इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। किसान खुश हैं कि इलाके में कम बारिश होने के बाद भी उनके अंगूर की क्वालिटी वाली बंपर उपज हुई है। ऐसी इम्पोर्टेड मशीन 4 लाख से ऊपर में आती है, जबकि ये देसी मशीन 2.25 लाख की है और बेहतर परिणाम देती है। ब्लोअर 2.25 लाख मिलते है, क्वालिटी इतकी चांगली है कि विचारूच ना। मला आता 4 वर्ष झाले ब्लोअर घेऊन, त्याच्यामुळे माझं शेतीचं बागवानी के लिए ये वरदान के समान है। फलों की क्वालिटी अच्छी होती है, डीजल कम लगता है और आप इससे दूर तक छिड़काव कर सकते हैं, हर तरह के पेड़ पर, और मैं तो सब्जियों पर भी इसी से छिड़काव करता हूँ। बाकी चाहे इम्पोर्टेड ब्लोअर आना जास्त प्रमाणात डीजल लागतं आणि दोघी साइडला दोघी जे बाजूला आहे ते फॅन असल्यामुळे ते औषधी दोघी सारखे जातं। इसके नोजल बदन से दूर होते हैं तो शरीर पर दवा से कोई हानि नहीं होती। पहले हाथ से स्प्रे में बहुत दिक्कत थी, पिछले 4 साल से इस मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेंटेनेंस में कोई समस्या नहीं आती। लहान झाड़ आणि पानगळ मारण्यासाठी पण अडचण येत नाही, लहान झाड़ असो किंवा मोठं झाड़ असो। राजेंद्र खुद अपनी इस मशीन का निर्माण करते हैं, न सिर्फ कम कीमत पर किसानों को ये मशीन उपलब्ध करवाते हैं बल्कि उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। बागवानी में मदद देने वाली इस क्रांतिकारी मशीन के उपयोग से किसानों की जिंदगी बदल रही है। इसके इजाद का श्रेय राजेंद्र को जाता है, इसलिए उनकी मशीन को, तकनीक को और उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए, फिर जोधपुर में भी सम्मान मिला। IIM अहमदाबाद की तरफ से भी अभिनेता अक्षय कुमार के हाथों राजेंद्र को सम्मानित किया गया। हमें
याच्यावरती कमी एसपी ट्रैक्टर आणि कमी डिझेल गेला असा आम्ही प्रयोग याच्यावरती करत राहिलो। डबल फैन असून हम लोगों ने कई प्रयोग किए, अलग अलग ट्रैक्टर, पंखे और नोजल के लगातार इस्तेमाल से डिझाईन चेंज केल्या, फॅनचा डिझाईन चेंज केल्या आणि आम्ही त्यानुसार आता जे नवीन मॉडेल तयार केलं अगदी सुधारित झालं आहे तयार आणि ते अगदी शेतकऱ्यांसाठी एक उपयुक्त ठरत आहे। यांच्या संशोधनाला राष्ट्रीय नवपरिवर्तन प्रतिष्ठान भारत या संस्थेच्या माध्यमातून ही मशीन राष्ट्रपती भवनपर्यंत जाऊन आलेलं आहे। राष्ट्रपतींकडनं याला सन्मान मिळालेला असून राष्ट्रीय लेवलला इस जबरदस्त और लाभकारी मशीन को, इसकी तकनीक को और इसको इजाद करने वाले को कई सम्मान मिले और राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, कई पुरस्कार मिले। IIM अहमदाबाद ने सम्मानित किया, एक्टर अक्षय कुमार के हाथों सम्मानित किया गया। या माध्यमातून तिथे पण त्यांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। त्याच्यानंतर तिसरा जो सत्कार आहे, चौथा जो सत्कार आहे तो याची दखल थेट बॉलिवूडचे जे स्टार आहेत अक्षय कुमार यांनी देखील त्यांचा सत्कार करून त्यांना एक पुरस्कार देण्यात आला आहे मोठ्या प्रमाणात। अब राजेंद्र और उनके बेटे के साथ ही कई स्थानीय किसानों की इच्छा है कि इस मशीन का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाए और महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश और विदेश तक इसकी पहुंच हो, पहचान मिले और किसान इसका लाभ उठा सकें। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अलावा देश और विदेश में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और इससे किसानों का भला हो। ऐसी मशीन के विकास और इसकी उपयोग का लाभ ज्यादातर किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार और समाज सेवी संगठनों को आगे आना चाहिए ताकि देश के दूसरे हिस्सों के किसान भी ऐसी उपयोगी मशीन का लाभ उठा सकें और ऐसी तकनीकों के विकास के लिए दूसरे लोग भी प्रेरित हो सकें। कृषि दर्पण, जी मीडिया। वक्त एक ब्रेक का है, एक और अहम रिपोर्ट के साथ जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए कृषि दर्पण।
अभी मार्च का महीना बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए बेहद उपयुक्त है। अभी बुआई की गई सब्जियां मई जून तक उपज देने लगेंगी और गर्मी में खीरा ककड़ी, घिया तुरई, करेला टिंडा, खरबूज और तरबूज जैसे फल सब्जियों की डिमांड हाई होती है, जिससे आप उस वक्त अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है सही किस्म के बीजों का चुनाव और सही बुआई। इसलिए हम लाए हैं कृषि विशेषज्ञ की खास सलाह, देखिए अच्छी उपज और कमाई का मूल मंत्र। कृषि दर्पण में हम आपको एक से एक आधुनिक तकनीक, नई फसलों और कामयाब किसानों की सफल खेती दिखलाते हैं। लेकिन कई किसान बहुत कम जोत वाले किसान होते हैं, छोटे स्तर पर खेती करते हैं। ऐसे ज्यादातर किसान बेल वाली सब्जियों की खेती में रुचि लेते हैं। बेल वाली सब्जियों की बुआई के लिए अभी बहुत सही वक्त है। हम आपको सबसे अच्छी किस्मों के बारे में बताएंगे। इससे पहले जानिए बुआई के तरीके और जरूरी खाद फर्टिलाइजर के बारे में। खेतों की तैयारी में जुताई के बाद मिट्टी के बेड बना लें। बेड से बेड की दूरी 1 फीट की होनी चाहिए और बेड की चौड़ाई 2 फीट की होनी चाहिए। इसमें बीज मिट्टी के बेड पर दोनों तरफ लगाने चाहिए। इससे पौधों से पौधों के बीच की दूरी 2 फीट मिल जाएगी। बेड की लंबाई हमेशा पूरब से पश्चिम होनी चाहिए। जहाँ तक पौधे से पौधे की दूरी हुई, चाहे घिया हो, चाहे तोरी हो, चाहे आपका करेला हो और बाकी खरबूजा हो, तरबूज हो, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और नालियां बना के ढोलों पर करीब 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 फीट के बीज की भी एक जगह 2 बीज डाले, ताकि खुदा नखास्ता अगर बीज नहीं जमा, एक जम गया दूसरा, दोनों जम गया तो ठीक है, अगर उपयुक्त रहा तो ठीक है, नहीं थिनिंग करके कहीं और भी लगाए जाए। बीजों की बुआई से पहले कार्बन डाइऑक्साइड से इन्हें उपचारित करना न भूलें। मात्र 2 ग्राम दवा को 1 किलो बीज में इस तरह मिलाएं कि बीजों के ऊपर इसकी एक परत चढ़ जाए। इससे भूमि जनित कीट रोगों से पौधों का बचाव होता है। 1 एकड़ की खेती के लिए 1 से 2 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि आलू वाले खेतों में खाद फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जहां धान की खेती होती है वैसे खेतों में इसकी सामान्य मात्रा ही प्रभावी होती है। अगर आलू का खेत है तो उसमें ऊपर से कोई खाद देने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत आलू के खेत में पड़ चुका, उसको सीधी डालो बना करके और उसमें बिजाई कर लें तो ये रही। अगर नहीं, अगर कोई मतलब चरी का खेत हो या और कोई खेत हो, पैडी वाला हो यानी धान वाला खेत हो, तो उसके लिए मेरी राय है कि भाई उसको थोड़ा सा 20 किलो शुद्ध नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटास किसकी आवश्यकता होती है, अगर 1 एकड़ के हिसाब से मिला के पटरियां बना ले। अब जानिए सबसे अहम बात, और ये है बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए बीजों की उन्नत किस्में। घिया जिसको कहते हैं बॉटल गार्ड, इसकी उन्नत किस्में हमारे भारतीय अनुसंधान संस्थान पूषा द्वारा निकाली गई है, पूषा नवीन, काफी अच्छी किस्म है और इसकी बिजाई लोग किसान कर भी रहे हैं, ये लंबी किस्म है। और दूसरा है पूषा मेघदूत और पूषा मंजरी। तोरी की है जो इन दोनों जो बिजाई कहते हैं पूषा चिकनी, पूषा चिकनी और पूषा नसदार, दो है। चिकनी की आज के अमूमन देखेंगे नसदार हो, गुच्छम गुच्छा से उसमें धारियां होती हैं, दो हमारी किस्में काफी अच्छी है। खीरा के लिए है पॉइंट है, बहुत अच्छी किस्म है, और बालम खीरा। करेला की 2 किस्में बहुत अच्छी है, कोयम्बटूर लांग गोल्ड सी होती है और दोनों तरफ नुकीला सा होता है। एक बहुत अभी हाल में ही निकली हुई किस्म है पूषा विशेष और पूषा विवेक। खरबूजा की बड़ी अच्छी किस्म है जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के निकाली हुई है, वो पंजाब सुनहरी के नाम से है। ये काफी सख्त सी होती है और जाली नुमा ऊपर से उसका छिलका होता है। अब हम आते हैं तरबूज जिसको कहते हैं मतीरा, वाटरमेलन। वाटरमेलन की भी काफी अच्छी किस्में है, शुगर बेबी, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन सा होता है, छोटा सा होता है, 2-3 किलो से बड़ा नहीं होता। टिंडा की जो किस्म है बीकानेर ग्रीन और अर्का टिंडा। बीकानेर ग्रीन की जो किस्म है ये आपके राजस्थान की निकाली हुई है और हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश, इन सभी जिलों के लिए
और सभी प्रदेशों के लिए उपयुक्त कही है। ककड़ी की तो ये हमारी जो किस्म है लखनऊ अरली और लोकल खूब चलती है ये ककड़ी। ककड़ी अब समय जा लिया, ककड़ी की बिजाई हमारी जो कि जितनी अरली आएगी उसी सब उतने ही उनको फायदा है, तो मैं ककड़ी की सलाह नहीं देता। इसी तरह है आपकी पेठा की पूसा नमिका है, कई किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पेठे से ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी सी और टेम्परेचर हाई हो गया, ने इसको भी किया बीआई पेठे की भी कर सकते हैं। इस तरह उन्नत किस्मों के बीज और सही तकनीक अपनाने पर आपको प्रति एकड़ लगभग 40 से 50 क्विंटल तक की पैदावार मिलेगी और आप लगभग 70 दिन से लेकर 120 दिनों तक में ही अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि दर्पण जी मीडिया। तो खेती में तेजी से हो रहे बदलावों के बारे में आप इसी तरह अपडेट हो सकते हैं, इसके लिए देखते रहिए रोज सुबह 6:30 बजे कृषि दर्पण। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।